जिला के सदर थाना के तहत आने वाले मगरोड क्षेत्र में पुलिस ने वाहनों की तलाशी के दौरान एक निजी बस में बैठे युवक से 56 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान रणधीर राय निवासी बेगूसराय राज्य बिहार के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के दौरान पुलिस ने नाके के दौरान बस को चेकिंग के लिए रोका गया और गाड़ी में बैठे सभी लोगों की चेकिंग करने लगे। तभी बस में बैठा एक युवक पुलिस को देखकर घबराने लगा। ऐसे में पुलिस ने शक के आधार पर युवक की तलाशी ली तो 56 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। एएसपी बागमल ने बताया कि वाहनों की तलाशी के दौरान एक निजी बस में बैठे युवक से 56 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक रमेश दवाला ने कहा कि मंत्री बनने की इच्छा मेरी भी है, वैसे कईयों ने नए कोट सिलवा लिए हैं। अब ये सीएम जयराम ठाकुर के हाथ में है कि वे किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से इतर दवाला ने कहा कि मंत्री बनने की दौड़ में एक नहीं अनेक नेता भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मैंने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूं, पर अब दुल्हा कैसे कह सकता है कि मेरी शादी करवा दो। इसी दौरान वे बातों बातों में कह गए कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी मंत्री बनने की इच्छा है। घुमारवीं कांग्रेस के द्वारा महंगाई व अन्य कई मुद्दों के ऊपर डोल बजाओ सरकार जगाओ के नारे के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन पूर्व सीपीएम राजेश धर्माणी व वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी के नेतृत्व में किया गया। ये विरोध प्रदर्शन कोर्ट परिसर से शुरू होकर दकड़ी चौक गांधी चौक से होकर एसडीएम कार्यालय तक किया गया। कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन औरतों से हो रही हैवानियत, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, बैंक घोटालों, रुपए की घटती कीमत, गैर हिमाचलियों को सरकारी नौकरी, सहकारी सभा में घोटालों, स्थानीय विधायक के खास ठेकेदारों द्वारा जारी लूट, पट्टिकाएं तोड़ने व कई स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य रोकने पर किया गया है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी भी की गई है। ये विरोध प्रदर्शन कुंभकर्णी नींद सो रही सरकार तक पहुंचाने के लिए ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत प्रदर्शन किया गया है। नूरपुर के कस्बा जसूर के बाटू पुल के पास एक गाय कुछ दिनों से बीमार थी। गौ रक्षकों की नजर जब उस बीमार गाय पर पड़ी तो गौ रक्षकों ने बारिश की परवाह न करते हुए गाय को सड़क से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और उस गाय का तुरंत इलाज करना शुरू कर दिया। गौ रक्षक प्रमुख अर्पण चावला ने बताया कि दिन प्रतिदिन आवारा गौ माता की संख्या बढ़ती जा रही है। एक गाय काफी दिन से सड़क के किनारे बीमार पड़ी थी। गौ रक्षकों द्वारा गौ माता को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और गौ माता का इलाज शुरू किया गया। अर्पण चावला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बेजुबान बेसहारा पशुओं को न छोड़ें, जैसे हम अपने बुजुर्ग लोगों की देखभाल करते हैं वैसे ही हम इन्हें बेजुबान पशुओं की भी देखभाल करनी चाहिए। बुजुर्ग हमारे घर का हिस्सा है, वैसे ही ये गौ माता भी हमारे घर का ही हिस्सा है, इन्हें आवारा ना छोड़े। अर्पण ने कहा कि प्रशासन को भी इसके लिए कोई ना कोई उचित कदम उठाना चाहिए। अगर जोटा से लेकर कंडवाल तक बात की जाए तो लगभग 300 गौ माता बेसहारा घूम रही हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। प्रशासन को भी हमारा सहयोग करना चाहिए और इन बेसहारा जानवरों व पशुओं के लिए कुछ करना चाहिए।